वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। वर्ल्ड कप 2019 का स्क्वाड बीसीसीआई ने फाइनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर दिया है, और फिर चीफ ऑफ द सिलेक्टर्स एमएसके प्रसाद ने कुछ बयान दिए हैं जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में रखा 70 लाइक्स का टारगेट। साथ ही साथ अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिए। सबसे पहले उन्होंने बताया 4 रिजर्व प्लेयर्स के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि रिजर्व प्लेयर वो प्लेयर होते हैं जिसको इंडिया एज एन रिप्लेसमेंट ऑप्शन किसी भी इंजर्ड प्लेयर्स के लिए लेके जाएगी। ये एक्स्ट्रा प्लेयर्स होंगे और ये 15 सदस्यीय टीम जो कि वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई है उसका हिस्सा नहीं होने वाले हैं। एमएसके प्रसाद ने 3 रिजर्व प्लेयर्स के नाम बता दिए हैं, रिजर्व पंत खलील अहमद और नवदीप सैनी। हालांकि उन्होंने ये बताया है कि वो 4 कन्फर्म रिजर्व प्लेयर्स के नाम बाद में बताने वाले हैं। जो दूसरी बात उन्होंने बताई वो उन्होंने बताई है धोनी का रिप्लेसमेंट को लेकर। अगर धोनी वर्ल्ड कप 2019 के दौरान इंजर्ड हो जाते हैं या फिर 1-2 मैच के लिए उन्हें रेस्ट दिया जाएगा तो दिनेश कार्तिक टीम में आ जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह बात को कंफर्म कर दिया है कि दिनेश कार्तिक को धोनी के बैकअप के तौर पर टीम में लिया गया है। जो तीसरी बार उन्होंने बताई वो उन्होंने बताया कि नंबर 4 में कौन बैटिंग करने वाला है। तो उन्होंने नंबर 4 के लिए 2 ऑप्शन दिए हैं, विजय शंकर और केदार जाधव। हालांकि उन्होंने पहले विजय शंकर का नाम ही लिया था, लेकिन जैसा कि वो पूरा प्लान को डिस्कस नहीं कर सकते इसलिए उन्होंने उस बात को कवर करने के लिए केदार जाधव का भी नाम ले लिया। यानी कि नंबर 4 में आपको विजय शंकर ही कन्फर्म खेलते हुए नज़र आने वाले हैं। जो 4th और जो उन्होंने लास्ट बार जो बताई है वो उन्होंने बताई है केएल राहुल और दिनेश कार्तिक का रोल क्या होने वाला है इस टीम में। यानी कि वर्ल्ड कप 2019 के लिए केएल राहुल और दिनेश कार्तिक को क्यों चुना गया है। अगर दिनेश कार्तिक की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दिनेश कार्तिक को महेंद्र सिंह धोनी के बैकअप के रूप में चुना गया है। वहीं अगर केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल को टॉप 3 बैट्समैन के बैकअप के रूप में चुना गया है। हालांकि अगर मिडिल ऑर्डर में विजय शंकर या फिर केदार जाधव में से कोई भी प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा तो केएल राहुल को नंबर 3 में खेलने का मौका मिलेगा और विराट कोहली आपको नंबर 4 में खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये तो थे वो 4 बड़ी बातें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड कप 2019 के स्क्वाड से निकल के आ रही है। सो विद दिस सेट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।